क्या महत्वपूर्ण गद्यांश, यहां देखिएगा महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपका मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, महत्वपूर्ण गद्यांश जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप, ये आपका कंफर्म पूछेगा, ठीक है ना। राष्ट्र का स्वरूप जो है ये आपको कंफर्म पूछेगा, 110% पूछेगा बच्चा, 110% आपको ये गद्यांश पूछेगा, ठीक है ना। क्या है राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, ये दोनों है आपका गद्यांश में, क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, ये दोनों गद्यांश आप क्लियर कर दीजिए, यही दोनों से पूछा जाएगा, ठीक है ना, यही दोनों से पूछा जाएगा मेरे बाबू, ठीक है ना। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट टॉपिक मैंने आपका क्लियर कर दिया मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा सेकेंड, यानी कि सेकेंड क्लियर करेंगे, महत्वपूर्ण पदांश, महत्वपूर्ण पदांश आपका आप क्लियर होगा, जो कि देखिएगा श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु से आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, श्रद्धा मनु से आपका पूछा जाएगा मेरे बच्चे, श्रद्धा मनु, ये जो है आपका कहां से पूछा जाएगा मेरे बच्चे, श्रद्धा मनु से पूछा जाएगा। और एक है पवन दूतिका, एक आपका क्या है पवन दूतिका, ये आपका एक पवन दूतिका से पूछा जाएगा। दीपक कुमार सभी, अरे साउंड जा रहा है, ठीक है ना, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मोबाइल में प्रॉब्लम है, अरे साउंड जा रहा है, ठीक है ना, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। चलिए साउंड क्लियरली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, साउंड बिल्कुल क्लियरली है। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया मेरे बाबू, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, अगला आपका है लेखक का जीवन एवं परिचय, लेखक का जीवन एवं परिचय, माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज आपको हम देते हैं लेखक का जीवन एवं परिचय, कि लेखक का जीवन और परिचय क्या है, ठीक है ना, कौन सा कविता किसने लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, वो आपको देगा 5 से 10 नंबर देगा। क्या देगा बाबू, 5 से 10 नंबर देगा माय डियर स्टूडेंट। तो सभी बच्चे बताएंगे क्या हम शुरू करें, क्या शुरू करें, लेखक का जीवन क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, कौन सा कहानी किसने लिखा है, क्या हम शुरू करें या नहीं करें, बच्चे बताएंगे फटाफट। चलिए ए आ राधा, राधा पटेल, ए वीडियो जो है यूपी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए अनिवार्य है मेरे बाबू, ठीक है ना, सभी बोर्ड के लिए अनिवार्य है मेरे बच्चे। आप लोग सभी यूपी बोर्ड हैं या एमपी बोर्ड रहे हैं, कहीं का भी है, पूरे ऑल इंडिया में सभी बच्चों जो हिंदी लिए हैं, ठीक है ना, ये सभी के लिए है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे देखेंगे, हम लोग क्लियर करते हैं, चलिए फटाफट क्लियर करेंगे मेरे बाबू, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे है आपका, ये देखिएगा आपके सामने है कुछ तोहफे मैंने आपके लिए लाया है, सभी बच्चे देखेंगे, आज क्लास में ही सारा चीज हम लोग आपको याद करवा देंगे। जैसे देखिएगा बातचीत किसने लिखा, जी बातचीत किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बच्चे हमारे साथ फटाफट जवाब देंगे, ठीक है ना, फटाफट जवाब देंगे, क्वेश्चन हम पूछेंगे, जवाब आप लोग देंगे, ठीक है ना। बातचीत किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। उसने कहा था किसने लिखा, जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, किसने लिखा मेरे बच्चे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। चलिए सही बच्चे जवाब देंगे, ठीक है ना, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, जो मैं पूछ रहा हूं सभी का जवाब देंगे मेरे स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट आप लोग जवाब देते जाइए, हम पूछते जाते हैं, ठीक है ना। और यह संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति किसने लिखा जी, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा मेरे बच्चे, ठीक है ना, कौन लिखा है, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। और अर्धनारीश्वर किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, कौन लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। सर क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब्जेक्टिव करा दीजिए, बाबू करा देंगे, ठीक है ना, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, करा देंगे, फालतू ज्यादा कमेंट नहीं करें, ठीक है ना, आप पढ़ाई से रिलेटेड करें, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, ठीक है ना। चलिए अब देखो आपका है रोज, रोज किसने लिखा है जी, तो सचिदानंद हीरानंद बतस्या नागे, कौन लिखा है, सचिदानंद बतस्या, यानी कि हीरान, सचिदानंद हीरानंद बतस्यान आगे लिखा, किसने लिखा है, हाँ जी। चलिए ये आपका हमारा क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है ना, हमने 5 क्लियर कर लिए, ठीक है ना। अब अगला हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन, यानी कि 6 में क्लियर करेंगे, आज मैं सारा चीज क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना, और फास्ट फास्ट क्लियर करवाऊंगा, बच्चे फटाफट हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना, बच्चे फटाफट जुड़ेंगे तो आज क्लियर करवाने में मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए छठा है आपका एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र माय डियर स्टूडेंट्स किसने लिखा है, तो भगत सिंह ने लिखा, ठीक है ना, कौन लिखा है, भगत सिंह ने लिखा मेरे बच्चे, ठीक है ना। अगला देखिएगा ओ सदा नीरा, किसने लिखा जी, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा, किसने लिखा बच्चे, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और सिपाही की माँ, सिपाही की माँ किसने लिखा जी, तो मोहन प्रकाश, कौन लिखा जी, मोहन प्रकाश ने लिखा बाबू। ठीक सिलेबस देखिए, 10th का भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना, सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन चेंज रहेगा,
सिलेबस सभी बच्चे का सेम रहेगा जी, सिर्फ आपका नजरिया आपका क्वेश्चन चेंज रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, बल्कि सिलेबस एक ही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन में चेंजिंग रहता है, ठीक है ना। तो बच्चे घबराएंगे नहीं, ठीक है ना, सिलेबस सबका एक होता है, जिस तरह से इंटर में पूछा जाएगा उसी तरह से आपका मैट्रिक में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना तो आपको क्लियर मैंने करवा दिया बच्चे, ठीक है ना, इतना तो मैंने आपको सारे बच्चे को क्लियर करवा दिया है, क्लियरली सभी को पता चल गया, ठीक है ना, कि इतना क्वेश्चन सभी बच्चे के साथ में क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कदम हमारा क्या होगा देखिएगा, अगला कदम आपके सामने है सिपाही की माँ। चलिए सिपाही की माँ, हम लोग आज ऐसा करते हैं कि आप लोग से पूछते हैं कुछ, ठीक है ना, बच्चे जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट जवाब देंगे। चलिए सिर्फ आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है ना, आप लोग फटाफट जवाब देंगे। आप लोग से मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, सभी बच्चा जवाब देगा जी। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ किसने लिखा जी, बच्चे लोग फटाफट जवाब देंगे, सिपाही की माँ किसने लिखा, चलिए जवाब दीजिए फटाफट, स्टार्ट नाउ, जवाब दीजिए, सिपाही की माँ किसने लिखा, फटाफट जवाब दो। चलिए छापिए आप लोग, फटाफट छापेंगे, कमेंट बॉक्स कम से कम आज 300 के स्पीड में रहना चाहिए, ठीक है ना, कमेंट्स बॉक्स आपको 300 के स्पीड में रहना चाहिए, ठीक है ना, फटाफट छापिए, सिपाही की माँ किसने लिखा कहानी, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, बच्चे फटाफट जवाब देंगे। चलिए सही बच्चे मोहन राकेश जवाब दे रहे हैं, चलिए फटाफट छापिए, फटाफट छापिए, आज देखेंगे बच्चे में कितना जुनून है, कितना जज्बा है, कितना जोश है, आज ही आपको पता चलेगा, ठीक है ना, आज का क्लास में कि हमारे बच्चे में कितना जोश है, कितना जुनून है और कितना जज्बा है आगे बढ़ने का और पढ़ने का, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा है परगीत और समाज, परगीत और समाज किसने लिखा जी, फटाफट बच्चे जवाब देंगे, परगीत और समाज, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने है, परगीत और समाज किसने लिखा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब दो आप लोग, छापो, परगीत और समाज किसने लिखा जी, चलिए छापिए आप लोग, फटाफट छापेंगे हमारे साथ में सभी स्टूडेंट्स, फटाफट छापेगा सभी बच्चा, फटाफट छापो, परगीत और समाज किसने लिखा है, कमेंट बड़ा तेजी तेजी से चलाओ, कमेंट थोड़ा तेजी से चलना चाहिए, ठीक है ना, ताकि सर का आंखें धोखा खा जाए लेकिन बच्चे धोखा नहीं खाएं, ठीक है ना। चलिए एक बच्चे ने नामवर सिंह ने दिया है, ठीक है ना, अंकिता कुमारी नामवर सिंह, सिंपी कुमारी नामवर सिंह, नेहा कुमार नामवर सिंह, विवेक कुमार नामवर सिंह, लक्ष्मी इरफान, अंकिता, परिराज नामवर सिंह, चलिए आपका सही है क्या, नामवर सिंह आपका सही है, ठीक है ना, नामवर सिंह सही है जी, नामवर सिंह क्या बच्चे सही है, ठीक है ना, नामवर सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जूठन, जूठन किसने लिखा मेरे बच्चे, जूठन किसने लिखा, फटाफट जवाब दो आप लोग, जूठन किसने लिखा है, फटाफट जवाब देंगे, जूठन किसने लिखा है, चलिए जवाब दीजिए फटाफट आप लोग, जूठन किसने लिखा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में सभी स्टूडेंट्स। चलिए एक बच्चे ने मोहन राकेश का जवाब दिया है, कहाँ है जी, चलिए सुमित कुमार ओम प्रकाश वाल्मीकि, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, अंकिता कुमारी ओम प्रकाश वाल्मीकि, फटाफट जवाब दो जी हमारे साथ में सभी बच्चे, चलिए फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ सभी बच्चे, कौन किसने लिखा है फटाफट जवाब दो जी। चलिए ये हमारा जूठन लिखा ओम प्रकाश वाल्मीकि, और हमारा दूसरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब दो, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा, बच्चे बड़ा कम है, आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए, मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्लास आप लोग शेयर कीजिए, मजा नहीं आ रहा, हंसते हुए मेरा अकेलापन बताइए, फटाफट बताइए, जो बच्चे का हाथ है वो भी बच्चा जवाब देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ये आपका रिवीजन क्लास हो जाएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए मलिए करेक्ट है, तिरिच किसने लिखा जी, तिरिच, तिरिच का जवाब देंगे सही बच्चे, तिरिच किसने लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब दो, तिरिच किसने लिखा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में कि तिरिच का लेखक कौन है, ठीक है ना, चलिए जवाब दीजिए फटाफट। खुशबू राज, चलिए आपका नाम लिया जा रहा है मेरे बच्चे, ठीक है ना, नाम लेने से नहीं होता बाबू का, कहा गया है द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए, ठीक है ना, इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा है, भाला फेंकिए तुक्का मारिए, ठीक है ना, भाला फेंकिए और तुक्का मारिए। चलिए
उदय प्रकाश। चलिए शिक्षा कौन लिखा जी, शिक्षा शिक्षा किसने लिखा मेरे बच्चे, शिक्षा का लेखक कौन है, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में सभी बच्चे, शिक्षा का लेखक कौन है, शिक्षा शिक्षा कौन लिखा है, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में सभी बच्चे। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया, अगला देखिएगा कविता कवि। चलिए हम लोग आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है ना, ये हमारा यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना, अब हमारा यहां तक क्लियर हो गया बाबू, ठीक है ना। अब देखिएगा लेखक का जीवनी, ये सारा चीज हमने करवा दिया, ठीक है ना, लेखक का जीवनी वगैरह हमने करवा दिया बच्चे। अब अगला देखिएगा कि लेखक का जो जीवनी परिचय है इसमें से आपको कहां से क्वेश्चन आएगा, लेखक का जो जीवनी परिचय है इसमें से आपको कहां से क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, यहां पे आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। लेखक का जो है वासुदेव शरण अग्रवाल, कहां से आएगा क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल से आएगा, एकदम 110% आप छाप लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है यही से आएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। कहां से आएगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल से आएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। अगला आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगला है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे बच्चे, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो कहां से आएगा तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों लेखक जो है, ठीक है ना, ये बोर्ड में क्या हाईलाइटेड है, ठीक है ना, ये बोर्ड में आपका क्या है बच्चे हाईलाइटेड है, ठीक है ना, इसलिए बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अगर जिनके भी बच्चे जैसे यानी कि जिनके फ्रेंड्स वगैरह जैसे है जो क्लास नहीं कर पाए हैं वो बच्चे, उनको अवश्य लिंक को शेयर करें ताकि वो बच्चे समझ लें, अगर उनके पास कोई भी बुक होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से 110% लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं जी, ठीक है ना। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया बाबू, ठीक है ना, यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। अगला टॉपिक हमारा है कवियों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय मेरे बच्चे, ये भी हमने अभी आपको दिया, ठीक है ना, कुछ कवियों का जीवन परिचय हम लास्ट में देंगे, ठीक है ना, बच्चे हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है ना, लास्ट में कुछ नहीं देंगे। चलिए कवियों का जीवन परिचय, तो कवियों का जीवन परिचय आइए आपके सामने है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद से आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद से आपको क्वेश्चन उठाया जाएगा और महादेवी वर्मा से उठाया जाएगा, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से उठाया जाएगा, जयशंकर प्रसाद से और महादेवी वर्मा से उठाया जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए बच्चे फटाफट जुड़ेंगे, ठीक है ना, बच्चे नहीं जुड़े हैं आज, ठीक है ना, मजा नहीं आ रहा, बच्चे नहीं जुड़े हैं, मजा नहीं आ रहा मेरे बच्चे, बच्चे फटाफट जुड़ो यार, ठीक है ना, अगर बच्चे नहीं रहेगा तो मजा नहीं आता क्लास में, ठीक है ना। चलिए ये आपका हमारा क्लियर हो गया, जयशंकर प्रसाद ये आपका हो गया और एक महादेवी वर्मा, यहाँ से आपको क्वेश्चन 110% आता, ठीक है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका 110% आता मेरे बच्चे। और अगला देखिएगा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक क्या है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, ठीक है ना, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य मेरे बच्चे, और यहां से आपको पूछा गया, ठीक है ना, और बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का उद्देश्य, ये दोनों टॉपिक से आपको मेरे बच्चे कम से कम पूछेगा पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है ना, कितना कितना का आएगा, पांच नंबर से आएगा, ठीक है ना, पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है ना, एकदम ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना, आज का जो क्लास है आपको पूरे दिन जितना दिन आप पढ़ाई किए हैं सबसे बेस्ट क्लास आज आपका है, ठीक है ना, इसलिए बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा सर कहां बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, यहां से आपको क्वेश्चन 110% पूछेगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। चलिए सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नेहा कुमारी क्या कंफ्यूज है मेरे बाबू, ठीक है बताओ क्या कंफ्यूज हो, चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया बाबू, ठीक है ना, ये सब जो क्वेश्चन है सारा चीज पूछा जाएगा, ठीक है ना, एकदम 110% आप इसमें श्योर रहिए, ठीक है ना, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ सिंकी सिंघानिया आपका पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बोलेगा, ठीक है ना, कि आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, विस्तार से लिखें, ठीक है ना, क्या लिखें मेरे बाबू, विस्तार से लिखें। और एक है बहादुर कहानी का उद्देश्य, क्या है, एक बहादुर कहानी का उद्देश्य है, ये भी आपको क्या बोलेगा, विस्तार से लिखें, ये भी आपका पांच नंबर का आएगा, ठीक है ना, ये भी क्या आएगा, आपको पांच नंबर का आएगा मेरे बाबू, ठीक है ना, बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखें, बिल्कुल आज हम क्लियर करवा देंगे आपका, 100 में 95% अंक आपको आज का क्लास से प्राप्त होगा, ठीक है ना,
95% अंक आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना, आज का क्लास से। ये रोहित सर का दावा है। किसका दावा है? रोहित सर का दावा है कि आपको 95% अंक दिलाकर छोड़ेंगे। बिल्कुल आप हर वीडियो में मेरे बने रहे, ठीक है ना। आज मैंने फाइनली ऐप पे लाइव आकर बोला था कि आज मैं 6 बजे क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है ना, जो कि आपको एक बेहतर कागार पर ले जाने वाला है वीडियो, ठीक है ना। कहाँ ले जाने वाला माय डियर स्टूडेंट्स? बेहतर कागार पे ले जाने वाला है, और बहुत बेहतरीन वीडियो ये रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि सही बच्चे यहां तक समझ गए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? बच्चे जवाब देंगे फटाफट। क्या हम लोग आगे बढ़े बाबू? चलो जवाब दो फटाफट। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला सीढ़ी चढ़े क्या? अगला सीढ़ी चढ़े क्या? चलिए अगला सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं, अगला कदम चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सीढ़ी आपका सामने है, आठवां। आठवां आपका खंड काव्य। खंड काव्य से आपको, ठीक है ना, खंड काव्य भी आपको, ठीक है ना, क्लियर करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। खंड काव्य आपका क्लियर करना पड़ेगा मेरे बाबू, ठीक है ना। और नौवां है आपका संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश मेरे बच्चे 7 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का पूछेगा? 7 नंबर का आएगा, ठीक है ना। क्या? संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश आपको 7 नंबर देगा जी। कितना नंबर देगा? 7 नंबर देगा मेरे बच्चे, समझ गए ना। ये कितना नंबर आपको देगा? 7 नंबर देगा। एकदम कन्फर्म आप हो जाइए कि आपको 7 नंबर हम उठा कर रहेंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। चलिए, सभी को समझ में आ रहा? सही बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बच्चे जवाब देंगे। चलिए, सर नहीं समझे। विकास कुमार कहां नहीं समझा बाबू, बताएगा क्या नहीं समझ में आया जी? सिंकी सिंघानिया, कौन सा बुक आप रखे जो नहीं है? अगर आपके पास ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो आप हमारे ऐप में ज्वाइन होइए, ठीक है ना। संजीवनी बैच लीजिए, सारा चीज आपको मिलेगा, शुरू से मिलेगा, लास्ट तक मिलेगा, जितना चीज आपको पढ़ाया जाएगा सारा चीज आपको मिलेगा। कहां? संजीवनी बैच में मिलेगा, ठीक है ना, जो कि मिशन 2022 के लिए आपको, यानी कि एग्जाम को धजिया उड़ाने वाला को है, ठीक है ना। आपको 2022 का जो एग्जाम है उसको धजिया उड़ाने वाले हमारा क्या है? संजीवनी बैच, ठीक है ना। चलिए, यहां तक हमारा क्लियर हो गया बाबू, ठीक है ना। अगला है महामना मालवीय। महामना मालवीय, यहां से आपको का महामना मालवीय से आपका क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। महावीय मालवाना से हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये आप कन्फर्म हो जाइए। अगला आपका है 11वां है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया महत्वम, यहां से आपका कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर से पूछा जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। संस्कृत भाषायम महत्वम, 5 नंबर क्लियरम। 5 नंबर मेरे बच्चे क्लियरम, ठीक है ना। 5 नंबर हमारा क्या होगा बच्चे? क्लियरम होगा, महत्वम क्लियरम, ठीक है ना। सभी बोर्ड के लिए जरूरी है मेरे बाबू, ठीक है ना, सभी बोर्ड के लिए जरूरी है। हमारे साथ सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना, और सभी बोर्ड के लिए क्लियर है, ठीक है ना। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, खोखी आ जाता जी आप लोग के चक्कर में। चलिए, ये जो है आपका सारा चीज क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना, खोखी आ जाए चाहे जहां जाए, ठीक है ना, सारा चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम है ना, आप समझ रहे होंगे। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बच्चे बताएंगे सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि सर यहां तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए जवाब दीजिए फटाफट आप लोग एक बार। सभी बच्चे जवाब देंगे हमारे साथ में कि सर यहां तक क्लियर हो गया मेरा, अब आगे बढ़िए। चलिए बताइए फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट फास्ट नाउ, फटाफट जवाब दो आप लोग, कमेंट फास्ट होना चाहिए। मुझे आप लोग इतना तक यानी कि कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कि मुझे यहां से दिखे पर उसका नाम भी दिखे, सारा चीज दिखे, ठीक है ना। इतना फास्ट आप लोग करो कि सर का आंखें चकाचौंध रह जाए, ठीक है ना, कमेंट को देखकर। इसलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। देखना चाहते हैं आपको कि जोश कितना है, जज्बा कितना है। मैं तो अपना जज्बा दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप वहां पे दिखाइए अपना जज्बा, ठीक है ना। हमारे सामने आप जज्बा दिखाइए, हम यहाँ जज्बा दिखा रहा है मेरे बच्चे, ठीक है ना। जज्बा दिखाने में कमी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना जी। जज्बा दिखाने में कोई भी बच्चा कमी नहीं करेगा, ठीक है ना। जज्बा दिखाना है तो एकदम दिखाते रहिए जज्बा, ठीक है ना। चलिए चलिए, सारा चीज क्लियर हो गया। अगला टॉपिक आते हैं मेरे बच्चे। चलिए, अगला टॉपिक आपका है
संस्कृत का महत्वपूर्ण पदांश, संस्कृत का महत्वपूर्ण पदांश मेरे बच्चे। अब देखो यहां से आपका शुरू हो गया, ठीक है ना, संस्कृत का महत्वपूर्ण पदांश। टोटल आपको खंड काव्य से 50 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना, टोटल खंड काव्य से मेरे बच्चे 50 नंबर यानी कि 50 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। कितना नंबर का पूछा जाता है बच्चे? 50 नंबर का पूछा जाता है। सारा माया धजिया उड़ा दूंगा, क्लियर कर दूंगा आपके सामने में कि क्या पूछा जाएगा 50 नंबर का और कैसे पूछा जाएगा, सारा चीज ऊपर से नीचे तक आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आज हिंदी का नस्ते नाबूद कर देंगे, ठीक है ना, आज हिंदी को हम लोग क्या करेंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, ठीक है ना। आज हिंदी को पता चलेगा कि कौन सा मास्टर से हमने पाला पला, ठीक है ना। चलिए, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, यहां से भी आपको पूछा जाएगा कितना नंबर का, यहां से आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। कितना नंबर का मेरे बच्चे? 3 नंबर यहां से पूछेगा, ठीक है ना। सुभाषित रत्नानी आपको यहां से 3 नंबर का पूछा जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। जो भी बच्चे हमारे साथ लेट से जुड़े हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ लेट से जुड़े हैं, ठीक है ना, सभी को गुड इवनिंग है, ठीक है ना। सभी बच्चे को हमारे तरफ से ढेर सारा गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलिए, जातक एक जो है आपका जातक से पूछा जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। एक आपको कहां से पूछा जाएगा बाबू? जातक से पूछा जाएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, सिलेबस का नजरिए से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जातक से पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा मेरे बच्चे? जातक से पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप कंफर्म रहिए कि बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल पूछा जाएगा। और अगला है आपका महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोक्तियां, महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोक्तियां, यहां से आपको मिलेगा 7 नंबर, ठीक है ना। आपको यहां से कितना मिलेगा? 7 से 10 नंबर को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मुहावरे तथा लोक्तियां से आपको कितना नंबर मिलेगा? 7 से 10 नंबर आपको यहां से देखने को मिलेगा मेरे बाबू, ठीक है ना। 7 से 10 नंबर आपको यहां से देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। कहां से? मुहावरे से, क्योंकि आपको मुहावरे पूछा जाता है, ठीक है ना। मुहावरे वगैरह सारा चीज पूछा जाता है, जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, सेम वहां पे पूछेगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बच्चे लोग जवाब देंगे फटाफट, हमारे साथ जवाब देंगे। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी? चलिए जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, जवाब दीजिए। कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, इतना तो हम क्लियर करवा रहे हैं। अंत में आपसे क्वेश्चन भी जवाब यानी कि सवाल किया जाएगा, जवाब आप लोग देंगे, ठीक है ना। 22 टॉपिक जो हम क्लियर करवा रहे हैं ना, इससे कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपको जवाब देना है, और बहुत ही बेखूबी से जवाब देना है, ठीक है ना, बहुत ही बेखूबी से जवाब देना मेरे बच्चे। चलिए, अगला है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने मेरे बच्चे, 14 में है संधि विच्छेद। क्या मेरे बच्चे? संधि विच्छेद। चलिए, संधि विच्छेद से आपके सामने एक क्वेश्चन हम रखते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद करके बताएगा सभी बच्चा। चलो कमेंट नाउ फास्ट में बताओ आप लोग कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दो कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में सभी बच्चे। चलिए जवाब दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। हर बार देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए फटाफट जवाब दो इसका कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बच्चे फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, फर्स्ट नाउ आप लोग जवाब दो, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट फर्स्ट जवाब दीजिए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अंकिता कुमारी, क्या नहीं सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं, ठीक है ना, सब सुन रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए ना फटाफट, फटाफट जवाब देगा। यहां हम देख रहे हैं कौन सा बच्चा कितना जवाब दे रहा है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे, फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो मेरे बच्चे, फटाफट जवाब देंगे सही बच्चे, क्लियरली जवाब दो, फटाफट जवाब दो जी। विद्याजोलालय, विद्याजोल। चलिए यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगला बताते हैं आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको कितना देगा? 5 से 10 क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहां से आपको मिलेगा, 5 से 10 क्वेश्चन मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। कहां से मिलेगा?
पांच से दस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। कहां से? अनेक यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द से कितना क्वेश्चन मिलेगा? पांच से दस क्वेश्चन आपको क्लियरली मिलेगा, ये बिल्कुल 110% कंफर्म है, ठीक है ना। अगला आपका है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन जो आपका है, वाक्य संशोधन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कहाँ से? वाक्य संशोधन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। कहाँ से मिलेगा? वाक्य संशोधन से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग। वाक्य संशोधन से देखने को मिलेगा। और आपका एक है रस, क्या मेरे बच्चे? रस एक आपको मिलेगा क्वेश्चन, रस से भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ से मिलेगा? रस से भी देखने को मिलेगा। और आपका एक है 18वां में छंद, क्या मेरे बच्चे? छंद से भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कहाँ से मिलेंगे? छंद से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे बच्चे। चलिए, छंद से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चे घबराएंगे नहीं, ठीक है ना, डट कर हमारे साथ रहेंगे, जवाब देंगे, ठीक है ना। वो कब का विद्यालय खत्म हो गया, ठीक है ना। विद्यालय खत्म हो गया है जब तक हम छंद सारा चीज क्लियर कर लिए, छंद रस संधि विच्छेद सारा चीज आपका यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका है अलंकार, क्या मेरे बच्चे? अगला आपका है अलंकार। आपका क्वेश्चन अलंकार से भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से पूछा जाएगा जी? अलंकार से पूछा जाएगा, अलंकार से पूछा जाता। कहाँ से पूछा जाएगा? अलंकार से। और आपका 20 में है पत्र लेखन, क्या मेरे बच्चे? पत्र लेखन है, ठीक है ना। कि पत्र लेखन में कौन सा कहाँ से पूछा जाएगा? तो पत्र लेखन हमने एक वीडियो में बनाया था कि पत्र लेखन कैसे लिखें, बताया था ना जी। अभी भी मैं टाइटल बता देता हूँ, ठीक है ना। कि सबसे पहले आप जैसे आपको विद्यालय में लिखना, ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें हमें 5 दिन की छुट्टी का वर्णन हो, ठीक है ना। 5 दिन का छुट्टी का वर्णन हो मेरे बच्चे। तो आइए कैसे लिखेंगे थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज खोलकर समझा देता हूँ मेरे बच्चे। यहाँ देखिएगा, सही बच्चा ध्यान से देखेगा, 7 नंबर क्लियर होगा जी। कितना नंबर क्लियर होगा? 7 नंबर। यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर, 7 नंबर क्लियर होगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्लियर होगा मेरे बच्चे, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करेगा कोई बच्चा। ध्यान से देखेगा कि 7 नंबर कैसे क्लियर होगा, ठीक है ना। 7 नंबर कैसे क्लियर होगा? सही बच्चे देखेंगे और सिर्फ जवाब देंगे एस सर का, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा आप लोग सेवा में, सेवा में, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय। ये सब चीज सभी बच्चों के लिए बिल्कुल जरूरी है जी, ठीक है ना। ये जो है सभी बच्चों के लिए जरूरी है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये सब सभी बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए बच्चे ध्यान से देखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये यहाँ हो गया आपका जैसे विषय। जैसे आप वर्ग शिक्षक के पास देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्या? द्वारा, द्वारा में वर्ग शिक्षक, ठीक है ना। अगर आप वर्ग शिक्षक के पास देना चाहते हैं तो, ठीक है ना, किसके पास देना चाहते हैं? अगर आप वर्ग शिक्षक के पास में देना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे? द्वारा लगाएंगे। अगर वर्ग शिक्षक के पास में नहीं देना है तो हम लोग द्वारा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, द्वारा नहीं लगाएंगे। देखिएगा विषय, जैसे विषय क्या है हमारे? छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में विषय क्या है मेरे बच्चे? छुट्टी के संबंध में। वीडियो आप लोग शेयर करें, ठीक है ना, थोड़ा शेयर कर दीजिए। विषय छुट्टी के संबंध में। एक हो गया हमारा यहाँ महाशय, महाशय हो गया, साविनय निवेदन, महाशय साविनय निवेदन यह है कि मैं रोहित, जैसे यानी कि अपना ही बता, मैं रोहित कुमार यानी कि जो भी आपका क्लास है वर्ग 12th, सविनय निवेदन, निवेदन यह है कि मैं राहुल कुमार, कुछ भी दे दीजिए नाम वगैरह, ठीक है ना, मैं राहुल कुमार वर्ग जैसे 12th, रोल नंबर 12, सेक्शन ए का छात्र हूँ।
यहां तक समझ में आया सही बच्चों को? यहां तक समझ में आया नहीं आया? बच्चे जवाब देंगे फटाफट। यहां तक समझ में आया जी या नहीं आया? बच्चे लोग जवाब देंगे फटाफट, जवाब देंगे। छात्र हूं, यहां तक छात्र हूं, आज छात्र हूं, कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं अपने स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए यहां समझा देंगे सभी बच्चों को, ठीक है ना? जो बच्चे को समझ में नहीं आए समझा देंगे अंत में, ठीक है ना? अतः श्रीमान से प्रार्थना प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 10/12/21 से पंद्रह बारह इक्कीस तक छुट्टी देने का कृपा करें। यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सही बच्चों को समझ में आया नहीं आया? बच्चे जवाब देंगे फटाफट हमारे साथ में। सभी को यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? चलिए जवाब दीजिए आप लोग। चलिए सही बच्चों का होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। आपको इसमें फुल्ली 7 नंबर मिलेगा, ठीक है ना? इसमें आपको फुल्ली 7 नंबर मिलेगा। जिस बच्चे को लिखना भी आता है वो भी देख लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हिंदी का सब्जेक्ट है मेरे बच्चे, ठीक है ना? कहीं भी गड़बड़ होगा तो नंबर आपको कट जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्र जैसे राहुल कुमार, राहुल कुमार वर्ग 12th, राहुल नंबर कितना बताए थे जी? 10, सेक्शन ए। यहां तक हो गया हमारा? यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे, ठीक है ना? यहां तक सही बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है ना? और एक दिनांक डालेंगे, ठीक है ना? एक हम लोग यहाँ दिनांक डाल देंगे, ठीक है ना? दिनांक, दिनांक हम वही डालेंगे जो जिस दिन हमने लेटर यानी कि स्कूल में जमा करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे मैंने 10 से छुट्टी लिया है, मैंने 9 को गया लेटर देने के लिए, ठीक है ना? 9/12/21 यहाँ पे हम लोग दिनांक डाल देंगे, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए एक बार समझा देते हैं, ठीक है ना? आइए एक बार समझा देते हैं। पहला देखिएगा, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है ना? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय विषय छुट्टी के संबंध में, विषय छुट्टी के संबंध में महाशय सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मैं राहुल कुमार वर्ग 12th, रोल नंबर 12, सेक्शन ए का छात्र हूं। क्या हूं? सेक्शन ए का छात्र हूं, ठीक है ना? कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, अगर जो बच्ची रहेगी वो लिखेगी, ठीक है ना, कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सिर्फ उसको चेंज करना है कि जैसे मैं अंकिता कुमारी, रोल नंबर इतना है, वर्ग इतना है और हमारा सेक्शन बी है, जो भी लिख देगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना? यहां तक सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है, अतः श्रीमान से यानी कि हाँ के कारण मैं अपने स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा। अगर वो वर्ग शिक्षक के पास पूछता तो हम लिखते यहाँ पे मैं अपने वर्ग में उपस्थित नहीं रहूंगा, यानी कि मैं अपने क्लासरूम में उपस्थित नहीं रहूंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना? लेकिन मैंने पत्र लिखा किससे? डायरेक्ट प्रधानाध्यापक के पास में लिखा, ठीक है ना? डायरेक्ट कहाँ लिखे हैं?
डायरेक्ट प्रधाना अध्यापक के पास में लिखें। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 10/12/21 से 15/12/21 तक छुट्टी देने का कृपया करें। अगला है आपका रेक्टेंगल में देखिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र राहुल कुमार वर्ग 12th रोल नंबर 10 सेक्शन ए का छात्र हूं। फाइनली यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, फाइनली यहां तक सभी बच्चे को समझ में आया नहीं आया, सभी बच्चे जवाब देगा हमारे साथ में, फटाफट जवाब दो। एक बार कमेंट बॉक्स में चलना चाहिए जवाब कि सर समझ में आया या नहीं आया, बच्चे फटाफट जवाब देंगे। चलिए जवाब दो आप लोग, आपका जवाब का हमें इंतजार रहता है, ठीक है ना, आपके जवाब का हमारे इंतजार रहता है। चलिए चलिए फटाफट जवाब देंगे, फटाफट जवाब दो हमारे साथ में, सभी बच्चा जवाब देगा, फटाफट जवाब देगा मेरे बच्चे, सभी मेरे बच्चे जवाब देंगे, प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए जवाब दो कि सभी को सर समझ में आ गया, हम 7 नंबर क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। बोलिए आप लोग कि सर 7 नंबर तो गया, 7 नंबर तो गया, 7 नंबर कहाँ गया, पेट के अंदर गया, कहाँ गया, पेट के अंदर गया, दिमाग के अंदर गया, ठीक है ना, खोपड़ी में 7 नंबर चला गया है, इस 7 नंबर हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, 7 नंबर क्लियर कर लेंगे, खोपड़ी में 7 नंबर चला गया। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। आप देखिए आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ आपको जवाब देना, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सिर्फ जवाब देना है। चलिए हम लोग ने यहां तक क्लियर कर लिया था, ठीक है ना, 13 तक क्लियर कर लिया था, अब आपका है यहां से आप क्लियर करेंगे, ठीक है ना, बच्चा फटाफट जवाब देगा, ठीक है ना, सभी बच्चे जवाब देंगे जी, फटाफट जवाब देंगे, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब रहेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल लाजवाब है, सिर्फ आपको जवाब देना है, सभी बच्चा हमारे साथ जवाब देगा, फटाफट जवाब देगा, चलो जवाब देंगे सभी लोग, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, सभी बच्चे जवाब देगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, सभी लोग से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कलबक किसने लिखा जी, कलबक किसने लिखा, सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे। चलिए कलबक किसने लिखा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब दो आप लोग, फटाफट छापेंगे, कलबक किसने लिखा है, चलिए जवाब दीजिए, कलबक किसने लिखा है, बच्चे जवाब देंगे फटाफट हमारे साथ में जवाब देंगे। ये जो आपका पदखंड कहां से है, पदखंड, चलिए सभी बच्चे मलिक मोहम्मद जायसी के दे रहे हैं, ठीक है ना, फटाफट छापिए ना जी, फटाफट छापो, फटाफट छापेगा सही बच्चा, क्या लिखने के लिए नहीं आता, फटाफट छापो आप लोग फटाफट। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी हमारा क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, चलिए क्वेश्चन दिख गया है, राइट आंसर भी दिख गया, जो बच्चे को दिक्कत है वो देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। चलिए अगला आपका है पद, पद किसने लिखा जी, पद किसने लिखा, बच्चे जवाब देंगे फटाफट जवाब देंगे, पद किसने लिखा है, पद जो है वो किसने लिखे हैं, फटाफट जवाब दो आप लोग, कमेंट बॉक्स में छापो, जरा देखते हैं, किसमें कितना दम है, किसमें कितना दम है, फटाफट छापिए आप लोग, देखते हैं जी किसमें कितना दम है, कौन सा बच्चा में कितना दम है, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता, अंकिता कुमारी सूरदास निषाद झारखंडी, चलिए हेलो बाबू, चलो जवाब दो आप लोग, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, सभी स्टूडेंट्स जवाब देगा, कमेंट बॉक्स बाहर धीमा चल रहा है आपका जी, ठीक है ना, लगता है मजा नहीं आ रहा क्या, क्लास में मजा नहीं आ रहा क्या जी। चलिए अगला है छप्पाए, जो सबसे पहले बताएगा ठीक है ना उसका नाम लिया जाएगा, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है ना, बताएगा छप्पाई किसने लिखा है, छप्पाई किसने लिखा, मैंने इसका यानी कि सोल्यूशन भी किया छप्पाई का बताया भी, छप्पाई किसने लिखा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, छप्पाई किसने लिखा है, अंजू कुमारी तुलसीदास कुछ सूरदास में है, बच्चे जवाब देंगे जी फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, जवाब दो फटाफट जवाब दो जी, अगर जो बच्चा हमारे क्लास में जुड़ा है वो लाइक का बटन को क्लिक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, ठीक है ना, अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक लाइक से आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा मेरे बच्चे,
तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका है नाभादास। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नाभादास हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? नाभादास, नाभादास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कबीत किसने लिखा जी? कबीत किसने लिखा है? सही बच्चे जवाब देंगे फटाफट। कबीत किसने लिखा मेरे बच्चे? फटाफट छापो आप लोग, ठीक है ना। कबीत किसने लिखा है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट, जवाब देंगे हमारे साथ में सही बच्चे। नेहा कुमारी तुलसीदास। नेहा कुमारी कहाँ हो तुम बताओ? कबीत का क्या होगा, ठीक है ना। तुलसीदास में भी अटकी है, चलिए बताइए कबीत का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फटाफट बताएंगे सभी लोग। कबीत, कबीत किसने लिखा जी? भूषण। बच्चे का जवाब आ रहा है भूषण। चलिए फटाफट छापिए आप लोग भूषण, देख लीजिए एक नजर से क्या हो जाएगा। भूषण इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। भूषण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां आपके सामने है। तुमूल कोलाहल कलह में, तुमूल कोलाहल कलह में मेरे बच्चे फटाफट छापो आप लोग। तुमूल कोलाहल कलह में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट छापेंगे, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ, ठीक है ना। चलिए तुमूल कोलाहल कलह में फटाफट जवाब दो। कहा गया है ना हारूंगा हौसला कभी एक खुद से नहीं, ना हारूंगा हौसला एक किसी दूसरे से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है, ठीक है ना। मैंने किससे वादा किया है? खुद से वादा किया है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग हारेंगे नहीं, ठीक है ना। हारो नहीं, डरो नहीं, ठीक है ना। लहरों से नौका पार करो, बीच भंवर में जाओ और समुन्दर का तलाश करो, ठीक है ना। तो आज इसी के साथ आप लोग जवाब देंगे जयशंकर प्रसाद। चलिए सही बच्चों का जवाब है जयशंकर प्रसाद। चलिए सभी का करेक्ट आंसर है जी। आगे हम लोग देखेंगे 19वां, जल्द ही क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। क्लास हाईएस्ट चलेगा आपको, 5 से 10 मिनट क्लास और चलेगी, ठीक है ना। 5 से 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर लेंगे मेरे बच्चे, 5 से 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए अगला है 19वां, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किसने लिखा जी? चलिए फटाफट जवाब दो आप लोग। पुत्र वियोग किसने लिखा मेरे बच्चे? फटाफट जवाब देंगे सभी लोग। पुत्र वियोग किसने लिखा है? चलिए फटाफट बताओ आप लोग। पुत्र वियोग किसने लिखा है? जवाब दो फटाफट। आंसर को मैंने थोड़ा ढक दिया है कि बच्चे देख कर नहीं बताएंगे, कम से कम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाओ कि पुत्र वियोग किसने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान। से बच्चे का जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए सभी का करेक्ट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए देख लीजिएगा किसका सही हुआ किसका गलत हुआ। अगला है उषा। उषा किसने लिखा जी? बच्चे जवाब देंगे फटाफट। उषा किसने लिखा है? उषा किसने लिखा है बच्चे? फटाफट जवाब देंगे, फटाफट कमेंट करेंगे हमारे साथ। उषा, उषा किसने लिखा है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट जवाब देंगे सही बच्चे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी लोग जवाब दो, उषा किसने लिखा है? चलिए उषा किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है। शमशेर बहादुर, गुलशन कुमार, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। चलिए शमशेर बहादुर सिंह, चलिए आपका राइट आंसर है मेरे बच्चे गुलशन कुमार। सबसे फर्स्ट इसका जवाब दिया है। हम देखेंगे कौन सा बच्चा कितना फर्स्ट जवाब देता है उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए 21वां है आपका, जन जन का चेहरा तक। जन जन का चेहरा तक इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फटाफट जवाब देंगे आप लोग, जन जन का चेहरा तक। चलिए छापिए आप लोग फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जन जन का चेहरा एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में। चलिए जन जन का चेहरा एक, 21वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। जन जन का चेहरा एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फटाफट जवाब देंगे सभी लोग। गजानन माधव मुक्ति बोध, रीमा गुप्ता, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन जवाब दी है रीमा गुप्ता ने। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अगला है हमारा 22, अधिनायक। अधिनायक किसने लिखा बाबू?
अधिनायक किसने लिखा है? बच्चे फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ, बच्चे बताएंगे कि अधिनायक किसने लिखा है। चलिए फटाफट छापिए आप लोग, अधिनायक किसने लिखा है? बच्चे जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में। जो बच्चे पहले बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। चलिए अधिनायक किसने लिखा, फटाफट जवाब दीजिए। नाभादास एक बच्चे ने बोला है, नहीं जी ऐसा तो नहीं है, रघुवीर सहाय, मनजीत कुमार, रघुवीर सहाय, बहुत ही बेहतरीन जवाब मेरे बच्चे, रघुवीर सहाय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को जवाब देंगे मेरे बच्चे। चलिए सभी लोग जवाब दो, प्यारे नन्हे बेटे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे नन्हे बेटे को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे फटाफट जवाब देंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, छाप दीजिए। कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप लोग छापते रहिए। चलिए विनोद कुमार शुक्ल, दिनेश प्रजापति ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है, चलिए बहुत ही बेहतरीन मेरे बच्चे। चलो अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, हार जीत, हार और जीत किसने लिखा है जी? जवाब देगा सभी बच्चा, फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, फटाफट छापेंगे, हार और जीत किसने लिखा है? चलिए फटाफट फटाफट छापिए आप लोग, हार और जीत किसने लिखा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब देंगे सभी लोग। और जो बच्चा हमारा क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका एक लाइक से मेरा चलिए अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी बहुत ही बेहतरीन जवाब मेरे बच्चे, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन जवाब आप लोग का है। चलिए एक लास्ट है आज का, जो है ना 25 नंबर आपका लास्ट बच रहा है, ठीक है ना। जवाब देंगे सभी लोग, फटाफट जवाब देंगे। गांव का घर, गांव का घर किसने लिखा जी? चलिए जवाब दीजिए फटाफट, गांव का घर किसने लिखा मेरे बच्चे? फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में सभी स्टूडेंट्स, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट छापेंगे, गांव का घर किसने लिखा है? जवाब दीजिए फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ सभी बच्चे, बताइए फटाफट बताइए। जयशंकर प्रसाद का, चलिए अभी तो नहीं बताया कोई, ज्ञानेंद्र पति, कौन बच्चा बताया जी? आईएस मेरी जिद अंजलि कुमारी, बहुत ही बेहतरीन जवाब है मेरे बाबू, ठीक है ना। इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है, कुछ टॉपिके हैं फटाफट हम लोग क्लियर करवा देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, हाँ जी देखिएगा, व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो भी आपको देना चाहता हूँ, ठीक है ना। व्याकरण का कुछ ऐसा नहीं कि कोई नहीं कि है, ठीक है ना, मैं आपको देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ व्याकरण एवं रचना, व्याकरण एवं रचना से क्या चीज आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना आप कवर कर लेंगे, ठीक है ना। हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, ये बिल्कुल याद करें, ठीक है ना, कभी भी कहीं भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है मेरे बच्चे। हिंदी जैसे व्याकरण एवं रचना, तो हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, ये बिल्कुल आपको 110% करना होगा, ठीक है ना, ये आपको क्लियर करना होगा। और देखिएगा पत्र लेखन, ये तो मैं बता दिया हूं, पत्र लेखन कैसे करना नहीं करना, ठीक है ना, पत्र लेखन क्या करना है नहीं करना है, पत्र लेखन आपको 7 नंबर देगा, ठीक है ना, कितना नंबर देगा, 7 नंबर देगा पत्र लेखन, ठीक है ना। पत्र लेखन कितना नंबर देगा मेरे बच्चे, 7 नंबर देगा मेरे बाबू, ठीक है ना, कितना नंबर, 7 नंबर। निबंध लेखन, निबंध लेखन आपको कितना नंबर का आता है, ये भी आपको शायद 10 नंबर का आता होगा, ठीक है ना, निबंध लेखन शायद 10 नंबर का आता होगा, ये आपको कितना नंबर देगा, 10 नंबर देगा, कितना नंबर देगा, निबंध शायद 10 या 5 नंबर का आता होगा, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, 10 या 5 नंबर का आता होगा, ठीक है ना, लेकिन ये जरूर आएगा, ठीक है ना, निबंध। हाँ एक है टिप्पणी लेखन, टिप्पणी लेखन मैंने बताया था, ठीक है ना, टिप्पणी लेखन मैंने बताया था आपको कि कैसे टिप्पणी लेखन लिखना, किस पर लिखना है, ठीक है ना, ये सारा चीज मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि टिप्पणी लेखन कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैसे और किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, सभी बच्चे जवाब देंगे। ए के शर्मा, यूपी बोर्ड हो चाहे बाबू बिहार बोर्ड हो, सभी का मेरे बच्चा हिंदी का जो सिलेबस होता है सेम होता है, ठीक है ना, सभी बच्चों के लिए सेम होता है। मैं डेली 6 बजे लाइव रहता हूँ, ठीक है ना, आप लोग हमसे जरूर जुड़े, ठीक है ना, आप लोग जरूर जुड़ेंगे हमसे। चलिए
यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अगला आपका है ग्रामर से, है ग्रामर से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, ग्रामर से सभी बच्चे देख लेंगे एक बार। ग्रामर में क्या रहेगा, संधि, नहीं दिख रहा तो क्लियरली लिख देते हैं, संधि, संधि आप क्लियर करेंगे सबसे पहला नंबर, ठीक है ना। क्या करेंगे क्लियर मेरे बच्चे, संधि आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर जो बच्चा जाना चाहते हैं, जिसे क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, वो बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक है, कोई रोक ठोक नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चा को मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे को क्लास सही नहीं लग रहा है, जिन्हें मन नहीं लग रहा क्लास से, वो बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है समास, अगला क्या है मेरे बाबू, समास, अगला है समास, आपको समास भी क्लियर करना होगा, ठीक है ना, आपको समास भी क्लियर करना होगा, ठीक है ना, आपको समास भी बिल्कुल क्लियर करना होगा। अगला देखिएगा वाक्य और उपवाक्य, वाक्य और उपवाक्य भी आपको क्लियर करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, वाक्य और उपवाक्य भी क्लियर करना पड़ेगा। परिभाषित एवं तकनीक शब्द, परिभाषित एवं तकनीक शब्द भी आपको क्लियर करना पड़ता है। ये सब तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, एग्जाम से ये सब रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। कोशिकीय और व्याकरणिक शब्द, ये भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। पर्यायवाची शब्द, इसमें से आपको कम से कम 5 से 7 नंबर आएगा, ठीक है ना, किससे, पर्यायवाची शब्द से आएगा, जो कि आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे बच्चे पूछा जाता है ये सब, ठीक है ना। अगला देखिएगा एकार्थ शब्द, एकार्थ शब्द के मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना, एकार्थ शब्द यानी कि, हाँ जी चलिए, एकार्थ शब्द बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी को नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, एकार्थ शब्द आपका हो गया, इससे पूछता है अनेकार्थ शब्द, जैसे अनेक शब्दों यानी कि एक शब्दों से अनेक, ये तो आपको जानते होंगे, ठीक है ना, अनेक शब्द बनाने के लिए तो जानते होंगे, ठीक है ना, इससे भी आपको क्लियरली क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे हमारे साथ में, ठीक है ना, कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा मेरे बच्चे, फटाफट जवाब देंगे आप लोग, एक बार छापिए, ठीक है ना, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, बच्चे जवाब देगा फटाफट हमारे साथ में। सभी को राधे राधे, आज का क्लास कैसा लगा मेरे बाबू, जवाब दो फटाफट हमारे साथ में। पढ़ाई कर लो अब टाइम कम है जी, नेहा कुमारी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पढ़ाई कर लो टाइम बड़ा कम है, ठीक है ना। चलिए कैसा लगा आज का क्लास, फटाफट बच्चे जवाब देंगे हमारे साथ में, चलिए फटाफट जवाब दो आप लोग जी, कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, मजा आया या नहीं आया, क्या आपको अब लग रहा है आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस जागा, क्या अब मैं 100 में 95% अंक ला सकता हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 100 में 95% अंक ला सकता हूं आज का क्लास से मोटिवेट होकर, बताइएगा कि आपको मोटिवेट होकर ऐसा लग रहा है कि मैं 100 में 95% अंक जरूर लाऊंगा, ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा, बच्चे जवाब देंगे फटाफट हमारे साथ में, आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा जी, बताइएगा फटाफट। चलिए तो हमने सारा चीज आज क्लियर कर दिया, सारा टॉपिक मैंने क्लियर किया, तो जाते जाते मैं सभी बच्चों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बच्चे हमारे साथ बने रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ लेट से जुड़े हैं उनके लिए भी ये एक तोहफा है, ठीक है ना, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। एक चीज मैं आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखने वाला हूँ, कहाँ गया जी, खुल जाओ सिम सिम, खुल जाओ सिम सिम, ये आपके सामने है, चलिए आपके सामने मेरे डायरी खुल रहा है, ठीक है ना, 12th संजीवनी बैच, अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हमारे साथ, अगर जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। देखिएगा यहाँ एक लॉकर लगा हुआ जी, क्या लगा हुआ मेरे बच्चे,
एक लवकर लगा हुआ है। लवकर को आप ध्यान से देखिए, एक नजरिया से देखिए, ठीक है ना। लवकर तब खुलेगा जब आप इस ताला का चाबी लेंगे। क्या लेंगे? इस ताला का चाबी लेंगे। चाबी कब मिलेगा? तो आपको चाबी यहां मिलेगा, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा? ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना, यहाँ आप कॉल कीजिएगा इस नंबर पे, 6200733858 पे कॉल कीजिएगा, तब जाकर ये ताला खुलेगा, ठीक है ना। ताला खुलेगा, इसमें से ढेर सारा सरप्राइज निकलेगा, ठीक है ना, ढेर सारा सरप्राइज निकलेगा। चलिए, तो फाइनली हम लोग ने यहाँ तक क्लियर कर ही लिया है। तो सभी को बाय बाय आज का क्लास से। हंसते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चों को बाय बाय हमारे तरफ से। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं मेरे बच्चे।